सो हेलो दोस्तों, वापस से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले इस तरह का ब्लर वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड आपने स्टार्टिंग में देख लिया तो इस तरह का बोके इफेक्ट वाला वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी देखे होंगे। तो आप अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देख ले, आप भी इस वीडियो को बिल्कुल इजिली बना सकते हैं। बट बनाने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओके चलते सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पे एंड आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको फ्रेंड्स कैपकट एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। तो ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर ले लेटेस्ट वर्जन, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा ये, आप इसे डाउनलोड कर लेना। एंड आपको टर्बो VPN आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये आपको टर्बो VPN को कनेक्ट करना होगा कैपकट से। तो सबसे पहले आपको टर्बो VPN को ओपन करना है, यानी कि आप इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओके एंड यहाँ पे आने के बाद टर्बो VPN का कुछ इस तरह से इंटरलुक होगा, तो आपको टैप टू कनेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रनिंग करने लग जाएगा। एंड जैसे भी कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे अभी हो नहीं रहा है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ जैसे भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड यहाँ पे कनेक्ट हो चुका, बस आपको यहाँ पे कुछ इतना ही काम करना है, इसके बाद इसे हटा देना। इसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके फ्रेंड इस तरह से आपको कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं जिस भी वीडियो पे आप उसको मतलब उस वीडियो को सिलेक्ट करना है यहाँ से एंड यहाँ से ऐड कर देना है। ओके इतना करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना वीडियो कितना रखना चाहते हैं और यहाँ से आप इसे मतलब एडजस्ट कर लेना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना फालतू पार्ट को। तो मेरा ये वहाँ यहाँ से फालतू है एंड इसके बाद इस तरह से इसे हटा दिया। एंड आपको पीछे आना है एंड इसका वाटर मार्क हटा देना है कैपकट एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे हट चुका है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट भी मैं हटा देता हूँ। तो आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट है तो यहाँ से स्प्लिट वाले ऑप्शन पे जाके इसे यहाँ से कट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके इतना कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स वो वाला इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट में जाना है। ओके तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग मिल जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता वो वाला फिल्टर तो आपको स्क्रॉल करके इधर आना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पे ही है हेलो ब्लर करके, तो ये वाला आपको लगाना है अपने वीडियो में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन इस पर आपको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, आप करना चाहते हैं तो आपको कितना रखना है यहाँ से, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड स्पीड भी आपके हिसाब से रखना चाहते तो रख सकते हैं। हाँ तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 70, आप भी रखना चाहे तो इतना रख सकते हैं। ओके इसके बाद ओके कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते फ्रेंड यहाँ पे आ चुका है ब्लर वाला, तो आप इसका लेंथ कितना रखना चाहते वो भी यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना रखूँगा, आपके हिसाब से इस तरह से कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ से कॉपी कर देना है। देन यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको फिर से इसको इसके नीचे ले आना इस तरह से, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा एंड इसकी लेंथ को इस तरह से आपको बढ़ा देना है। तो आपको दो बार डुप्लीकेट करना है, तो आपके पास यहाँ पे ब्लर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये नेट से कनेक्ट है इसीलिए यहाँ पे स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे तो इस तरह से धीरे धीरे से ब्लर हट जाएगा और आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल है फ्रेंड इस तरह से ब्लर वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। और इसे सेव करने के लिए आप यहाँ से ऊपर से सेव कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको म्यूजिक लगाना है तो आप यहाँ से कोई सा भी म्यूजिक लगा सकते हैं यहाँ से। आपको यहाँ से इधर आना है एंड यहाँ पे ऑडियो पे जाना है और आपको यहाँ से कोई सा भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे फाइल से या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी सॉन्ग लगाना है वो लगा लेना है, बस इतना ही करना है। तो इसके बाद यहाँ से इसे सेव कर लेना है, इस तरह से आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो इतना ही था आज के इस वीडियो में, यही था।
आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार ट्रेंडिंग वीडियो सीखने के लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।